कृष्णा बने हैं, ये अवतार इनका नॉर्मली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम इंसान के जीवन में आम इंसान लगे भगवान, और उस वो रूप में भी दिखते हैं जो रूप में आपने देखा, लेकिन ये रूप नॉर्मली है इनका शो में। और साथ में भी बुलाता हूँ कन्हैया लाल जी को, कन्हैया आइए। कन्हैया लाल एक ये निखिल ये प्ले कर रहे हैं, और ये किरदार ऐसा है जो भगवान ने बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में कि नहीं यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे पास करा देना भगवान, और ये फेल हो गया। तो आज तक ये कोसता है भगवान, तुम्हारी वजह से मैं इंटर पास नहीं कर पाया। लोगों को तुम 98 मार्क्स देते हो, मुझे तो 30 दिए, वो भी अपने बल पे लाया, 4 तुमसे मांगे थे सिर्फ, वो देते तो पास कर जाता। तो ये उसके बाद बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इंटर फेल होने के बाद वो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है जहां से परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन भगवान को दोष देता रहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और अब जो किया मैंने मेहनत से किया है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें, बोलते हैं ये भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम्हें चिंता नहीं है किसी चीज की, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, तुम खड़े मुस्कुराते रहते हो। कोई बोलता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल, भगवान मैं आज मेरी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल, भगवान मेरी शादी है स्माइल, भगवान मेरा डिवोर्स हो गया तो स्माइल। तो जब प्रभु मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चक्कर है इंसानों की, हर बात पे आप मुस्कुरा देते हैं, चक्कर क्या है? तो उनका आंसर बड़ा खूबसूरत सा है, वो बोलते हैं कि जब तुम कहते हो कि मेरी लॉटरी निकली है तो मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हूँ, और जब तुम बोलते हो मैं बर्बाद हो गया हूँ भगवान बहुत तकलीफ में हूँ, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ चिंता मत क्यों करता भाई मैं तेरे साथ हूँ। ये दोनों चीजें हैं, भगवान की मुस्कुराहट को अलग तरीके से ले सकते हैं। फिर भगवान से बोलता है कि प्रभु आप ही बताइए, आपको चिंता नहीं कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है कि ये बनाना है, क्योंकि भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है, भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है, लेकिन हम इंसानों को चिंता है कि इंजीनियर बनाए कि डॉक्टर बनाए कि टीचर बनाए कि व्हाटएवर। तो ये भगवान और इंसान का कॉन्फ्लिक्ट है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग से चलती है, मैं भी कृष्णा तुम ये कन्हैया लाल है कृष्णा है, मेरी जन्म की राशि भी एक है और बर्थडे भी एक ही है, कृष्ण मग में डांस भी करती हैं, और आज वो कृष्ण की साड़ी पहन के नहीं आई है एक्चुअली, नहीं तो कल पहनी हुई थी उन्होंने एक्चुअली। तो ये है जो कृष्ण के लिए पूरी हलवा खीर रोज बना के देती हैं, लेकिन कन्हैया लाल सारी खा जाता है, कुछ भगवान तक नहीं पहुंचता है। और इसके बाद कन्हैया के पिता का रोल कर रहे हैं सुधीर पांडे जी, सुधीर पांडे जी का जो कि गोखले जी शांति नाम है इनका, जो मेरी माँ का नाम था मैंने इनको दिया है। बहुत खूबसूरत किरदार है, जो आज भी अपने बेटे को अपना छोटा सा कृष्णा ही समझती हैं ये, क्योंकि जन्माष्टमी का भजन चल रहा है हरे कृष्णा बहुत तेज चल रहा है, पूरा परिवार उठ जाता है, सबके अलग अलग है, ये भी उठते हैं भाई साहब बोलते हैं मम्मी कुछ भी ना सुबह सुबह 5:30 बजे भगवान के भजन लगा देती है। देन ही गेट्स अप एंड सेज, खुद से बोलता है बी पॉजिटिव नटी, इनका नटेश्वर है प्यार से नटखट बोलते हैं, इन्होंने नटी कर लिया, तो बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, और अपना उठ के तैयार होते हैं, जॉगिंग का सूट पहनते हैं, कान में अपना म्यूजिक सिस्टम वो लगाते हैं, म्यूजिक क्या लगाते हैं, और एक सेल्फी लेते हैं अपनी, सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि 6 AM फ्रेंड्स टाइम फॉर जॉगिंग, और स्टेटस अपलोडेड ऑफिस हो जाते हैं। और फिर 9 बजे जब इनके पिताजी पानी डाल के उठाते हैं, ये पूरे गीले हो जाते हैं, फिर खुद से बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, फोटो खींचते हैं, बाल झटकते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं ऑल वेट जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। सो ये आज की यूथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी है यूथ की जो है, कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूथ से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें जो कृष्णा यूथ से सीखता है, बहुत सारी चीजें हैं जो यूथ कृष्णा से सीखता है, क्योंकि हम मुझे लगता है भगवान भी हमको देख देख के कुछ ना कुछ सीख रहा है, जैसे हमारे में हम भगवान को कहीं ना कहीं सिचुएशन में अडॉप्ट करेंगे। ये शो इस बारे में है पूरा, बहुत ही पॉजिटिव, हम सब के दिलों की बात है, जो आपका एक रोमांटिक एंगल है ये बहुत खूबसूरत सा, ये वो एक ही लड़की है जो मोहल्ले में कॉन्वेंट में पढ़ती है, ये मोहल्ले में सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़ती है लड़की, जो हम दिल्ली में या नॉर्थ में जाइए जो कॉन्वेंट में पढ़ता है उसके जो ठाट अलग हुए होते हैं, बाकी जो है वो जोहारी देवी कॉलेज बालिका विद्यालय वाले होते हैं, और एक होते हैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाले। तो ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाली लड़की है जिनकी अदाएँ अलग हैं, जिनकी चीज़ें अलग हैं, और ये लड़का जो बिल्कुल देसी सा है, ये इनके प्यार में पागल है, और इसमें भी कृष्णा का एक रूप है कहीं ना कहीं प्यार करने में, ये ऐसे शर्माता है। और कृष्णा का जो रोमांटिक एंगल है वो हमारे यूथ में कहाँ प्यार है आज, और किस तरह प्यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, प्यार की जो महत्व है प्यार का खत्म हो गया, वो भी कृष्णा के माध्यम से दिखाएंगे।
कि प्रेम क्या है और प्रेम सवालों का स्वागत है। यशपाल जिसमें उसमें भी कृष्णा है तो क्या कारण है अश्वनी जी कुछ कृष्णा के कुछ ज्यादा ही करीब है आप? मेरे ख्याल से ये सवाल किसने पूछा लास्ट वाला? सर पहले तो आप सीरियल देखिए, वो शिवाय है कृष्णा नहीं है। दूसरी चीज मुझे एक बात बताइए, सास बहू पे कितने सीरियल बने आज? कितने सीरियल बने सास बहू पे? तो क्या सब कॉपी होते हैं एक दूसरे के? नहीं। क्या ऐसा देखिए कि जो संजीव कुमार की फिल्म की बात कर रहे हैं, ब्रूस अलमाइटी भी आई थी, ठीक है, ओ गॉड भी आई है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान के अलग, ये बात है जो किसी शो में अब तक नहीं है, किसी फिल्म में भी नहीं है, ये दावे से कहता हूं। वो ये है कि हमारे सवालों का उत्तर कौन देगा? हमारे सवालों का उत्तर कौन देगा? हमारे अंदर इतने सवाल लगते हैं कि आपको वही वो उत्तर भी हमारे पास है, प्रश्न भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि जहां भगवान है वो एक शो हो गया, ऐसा नहीं। एब्सोल्युटली। और एंड वन मोर थिंग जस्ट टू काइंड ऑफ आल्सो वेरी डिस्टिंक्टली क्लेरिफाई, in Oh My God, there was a very specific issue on which he was fighting, and Krishna came and just helped him find his way through that, and it was end of the story. Here we are talking about the day-to-day several questions, as Ashwini ji rightly said, and the several issues that we face, and the idea is that over a long period of time through this show, we impart practical wisdom to our viewers on how to lead a more constructive and more and a happier life. That's one. Second, in terms of whether it's another show on Lord Krishna, I would just say कि अगर भगवान की स्तुति के अलग 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 पहलू और रूप क्रिएटिवली लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं तो ये भगवान की स्तुति का एक और रूप ये भी। अच्छा अश्विनी, अक्सर क्या होता है when you cast an actor in the role of Lord Krishna, बहुत कठिनाई होती है कि the right selection is the biggest headache for the director. कैसे तुमने इनको चुना? मेरे ख्याल से कृष्ण ने खुद ही चल लिया इनको। देखिए कास्टिंग जो होती है, अच्छी कास्टिंग हो जाती है, हम करते नहीं, हम लगे रहते हैं सालों साल, ये ले ले वो ले, नहीं होता। समटाइम कोई मिलता है बंदा, ये करेक्ट है, वैसे ही था ये, तो ये मिले हमें, तो तब इनकी दाढ़ी थी, तो हमने कहा पहली बार करते हैं कि सर हम कृष्णा को हल्का दाढ़ी में दिखाते हैं, तो मैंने कहा कि अनुज बोले ठीक है देखते हैं। फिर हमने खुद सोचा, हमने कहा नहीं यार एक बना हुआ है जो कि हमने इतने सालों से देख रहे हैं कृष्ण और राम की, कभी दाढ़ी मुझे नहीं आई। तो हम क्यों करें भाई ऐसा। तो हमने एक बहुत स्वीट, एक अच्छा सा रूप लिया, मुस्कुराहट होती है बहुत खूबसूरत सी इंसान की, भगवान की, और क्योंकि हम कभी भगवान की फोटो को देखें एक ही रिएक्शन होता है, मुस्कुराहट, कभी रिएक्शन बदलते नहीं, आप रोइएगा भगवान नहीं रोता है ना। तो कास्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन अभी होता ना कि कास्टिंग आपको हो जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो बस वैसे ही सिद्धार्थ जीवन में है। अच्छा, एक और सवाल, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं फिर भी बोलता हूँ मैं, क्यों सब गोरे रंग को सुंदरता का प्रतीक और समझते हैं? जा गलत जा है ना? हाँ हाँ गलत है, करेक्ट, आपके पास ही, ये मैंने नहीं लिखा है, ये सवाल पूछना चाहता हूँ भगवान से मैं। सर सर ये सर माफ कर दीजिए, उसके लिए माफ कर दीजिए, सीरियल में गलती नहीं करूंगा। नहीं नहीं अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात है ठीक है कृष्णा जी की, लेकिन आपके जितने भी सीरियल, हाँ जी, उनके करेक्टर इतने ऑथेंटिक होते हैं कि जैसे कहीं से वो पकड़ के लाए हैं। सर बस मैं अपने परिवार से, अपने आसपास लोगों से बस वही लाता हूँ, ये भी किरदार वैसे ही है जो हमारे घरों में है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हमारे आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास सोच है, तो वैसे ही लोग लेके आता हूँ, क्योंकि समस्याएं और सवाल भगवान के, वही उनको ही सवाल है भगवान से, और वही परेशान है भगवान के, भगवान से खुश भी सबसे ज्यादा वही होते हैं, परेशान भी वही होते हैं। सुगंधा जी से एक क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन है मैम, शुभांगी जी कि भाषा का बहुत फर्क पड़ता है, आप अगर मराठी हैं और आप दूसरी भाषा बोल रहे तो उसका डेफिनेटली वो उच्चारण नहीं हो पाता है, लेकिन आपने कमाल का मतलब वो जो बोला है, जो स्टाइल पकड़ा था लापता गंज में, वो कैसे था, क्या था? हाँ, मैंने कोशिश की, मैं एक्टर हूँ तो
कान और आंखें खुली रखी मैंने. लापता का जब शुरुआत हुई तब इतनी मैं माहिर नहीं थी उसमें, तो मैंने कान खुले रखे. जो अश्विनी जी पढ़ के सुनाते थे, मेरे आसपास थे विनीत भाई थे जो बिल्कुल असल बिहारी या यूपी का कुछ बोलते थे, मतलब डायलॉग नहीं उसके अलावा कुछ. तो मैंने सुन के डेवलप कर लिया और मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ्रीडम दिया अश्विनी जी ने और स्पेस भी दिया कि चलो करो, इम्प्रोवाइज करते रहो, कोशिश करते रहो, डिस्करेज नहीं किया इसलिए. निखिल जी से क्वेश्चन. निखिल जी, पहली बार आपको बहुत आपके सामने चुनौती है कि हाँ सबको लेके चलना है आपको. हाँ जी. और भगवान से कंपटीशन है आपका. हाँ. तो सवाल कहाँ आ गया? निखिल जी. हाँ सर. तुमच्या मध्ये एक स्पष्ट परंतु मार्मिक मिस्किल लेखक आहे, तो त्याचा इकडे तुम्हाला कसा काय फायदा होतोय? मी हिंदी में बोलू या मराठी में बोलू? जो आपको सही लगे. नहीं, ये सबका ओरिजिन जो है वो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो एक्टिंग हो या लिखाई, मतलब या मैं लेखक हूँ या डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, उसके पीछे विजुअलाइजेशन जो है वो गिफ्टेड होता है, वो मेरे अंदर है, जो उसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ, डायरेक्ट कर पाता हूँ, एक्टिंग भी कर पाता हूँ. और अश्विनी जैसे अगर डायरेक्टर मुझे मिले तो मैं सिक्सर पे सिक्सर ही मारता रहूंगा, आई एम श्योर. या गुड आफ्टरनून विजय शंकर. या दिस इज फॉर कृष्णा सिद्धार्थ. देर इज नो लव इंटरेस्ट इन दिस एंड समबडी लाइक राधा. Mr. Ashwini, maybe you could say that, and later I can't see you. Can you please raise your hand? I'm right here. Sorry. And later you can tell me your experience as Krishna as well. What do you want to know, sir? First, there is no love interest for Krishna like you have for others. There's a love interest. There are so many love interests for Krishna. Why you want to count them? Don't count them, please. He loves everybody. He loves you also. He loves me. He loves them. Everybody. Krishna loves everybody. Actually, abhi. थोड़ी देर पहले सर ने क्वेश्चन किया था कि मुझे क्यों कास्ट किया, क्योंकि सर जानते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद फीमेल्स, तो यू नो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. ये है बात. और कृष्णा की सर ये एक ये मुझे नहीं पता था. सर नोज, ही नेवर टोल्ड मी अबाउट दिस. और दूसरी चीज ये कि अभी सर सिंगल आउट कैसे करें, क्योंकि कृष्ण की 16,000 गोपियां थी, उनमें से 108 स्पेशल थी, 16 उससे भी ज्यादा स्पेशल थी, और सबसे स्पेशल थी राधा रानी. तो अभी सर 16,000, पिछले मेरे शो में सिंहासन 32 में 32 देवियां थी, और इसमें आई थिंक 16,000 तो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे. मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं कृष्ण का रूप, जो प्रेम का रूप है, वो सिर्फ गोपियों तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है. या बट नोबडी लाइक रूप है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है. समबडी लाइक राधा, नो. आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं. राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण राधा अधूरी हैं, वो बिल्कुल होगा. लेकिन वैसे बता दूं, जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम सिर्फ गोपियों तक सीमित नहीं है. बिल्कुल. प्रेम तो गायों से भी करते थे, प्रेम तो ग्वालों से भी करते थे. थैंक यू वेरी मच. सो वी आर ऑल अवेलेबल फॉर वन ऑन वन. निखिल जी, आप एक मंझे हुए थिएटर कलाकार हैं और मराठी में आप ज्यादातर काम करते हैं, तो इस रोल के लिए आपने कोई खास मेहनत की इस कलाकार, इस किरदार को निभाने में? ये जो कैरेक्टर है मिडिल क्लास फैमिली से ये कैरेक्टर है, तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो सवाल कृष्ण के कन्हैया के मन में आते हैं, हर रोज़ मेरे दिल में भी ये सवाल आते हैं. जब मैं पेपर या न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मुझे वहाँ पे हज़ारों सवाल होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. ये सब सवाल जो है ये मिडिल क्लास किसी भी किरदार के सवाल हो सकते हैं, जो कन्हैया लाल के दिल में सवाल है. तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे अंदर एक कन्हैयालाल है ही, ऑलरेडी मौजूद है ही. हम सबके अंदर एक कन्हैयालाल है. हाँ, हम सबके अंदर, हम सबके अंदर. अगर आप हम सब अपने आप से पूछें, कितने सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि भगवान मिले. आप सबसे पूछे भगवान मिले तो एक सवाल तो ऐसा होगा जो हम पूछना चाहते होंगे उनसे, एक सवाल तो होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक सवाल तो भगवान से हम पूछना चाहते होंगे ही, और वही सारे सवाल हैं जो आपको घूम फिर के यहाँ दिखाई देंगे. All right, thank you very much, sir. Please join us all for, I think, Chappan Bhog, right? Prasad.
काफी मजा आएगा आप अगर घूमते रहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये कौन ना सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि डेली शॉप और लो कैमरा क्या आपको दो कितना डिफरेंट है क्या क्या डेली शॉप और जो आप भगवान का जो रोल टाइप करते हो कितना डिफरेंट है। एक्चुअली डेली सोप और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि यू नो आई डोंट नो कि डेली सोप एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो, बट हमारा शो ऐसा है कि यहाँ पे हर हफ्ते एक अलग कहानी आएगी, एक अलग क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड एक कहानी होगी और सास बहू ड्रामा नहीं है। भगवान और एक कॉमन मैन के बीच जो रिलेशनशिप है, जो जो प्यार है, वो इसमें दर्शाया जाएगा, तो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल मज़ा आएगा लाइट हार्टेड वे में। सो आई थिंक व्यूअर्स विल हैव अ वेरी गुड टाइम। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि आप भगवान को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो एक भी पैसे की गलती नहीं हो सकती। लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो आज की दुनिया में है, आज का पहनावा है उसका, तो कैसे मैं उसको ब्लेंड करता हूँ कॉन्टेम्प्रेरी और कन्वेंशनल से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड, उनकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, थोड़ी भगवद्गीता पढ़ी है, तो जहाँ तक मैं गलती ना करूँ और जहाँ तक मैं टू रह सकूँ कृष्णा के कैरेक्टर में, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तैयारी सच तो कुछ नहीं किया है। जो कृष्ण जो इसमें जो कन्हैया का कैरेक्टर है वो मेरे अंदर कुछ है जो कन्हैया से मेल जोल है उस कैरेक्टर से, तो ऐसी तैयारी सच मैंने कुछ की नहीं है, लेकिन मैं अच्छा ही करूँगा। हाँ, हर आपके मन में भी जो सवाल होगा इनके हर किसी के मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का रिप्रेजेंटर हूँ, उनके मन में जितने भी सवाल आएंगे जैसे सवाल आएंगे मैं कृष्ण भगवान से पूछूंगा, आपके हिसाब सब लोगों की तरफ से। जी लोग काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि कृष्ण जी आज की दुनिया में आए हैं लेकिन हैं तो वो भगवान ही, तो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर, दोनों का ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने वाइट शर्ट और वाइट ट्राउजर पहनी है, वाइट इज़ साइन ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का प्रतीक है, और साथ में मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ब्लेजर्स होंगे, आज मैंने ब्लू पहना है, कभी येलो कभी रेड, तो कृष्ण जी फुल ऑफ लाइफ थे, काफ़ी वाइब्रेंट थे, तो ये कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट हैं। कृष्ण जी का मोर पंख है यहाँ पे, और मेरा ये ब्रेसलेट है जिसमें ओम लिखा हुआ है, और ये पवित्र पत्थर भी है, ओम का लॉकेट है जो ओम मतलब सब कुछ, सब पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, और मेरी बांसुरी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, ये मेरी बांसुरी। जैसा कि हमने कहा कि हम दिल से काम कर रहे हैं, और जब आप दिल से काम करो तो दिल तक ज़रूर पहुँचता है, तो हमारे सारे राइटर्स, हमारे अश्विनी सर ने इतना अच्छा लिखा है, खुद भी डायरेक्ट कर रहे हैं वो, और जिस हिसाब से सब इसे प्रमोट कर रहा है, और यू नो हम पूरे दिल से काम कर रहे हैं, पूरी टीम दिल से काम कर रही है, तो जब दिल से काम होता है तो दिल तक आवाज़ ज़रूर पहुंचती है। और मैं ये कहूँगा कि अगर कृष्ण भगवान अगर कन्हैया लाल से मिल रहे तो वो भगवान की हैसियत से नहीं मिल रहे, एक दोस्त की हैसियत से मिल रहे, ये देखना लोग ज़रूर पसंद करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कृष्ण भगवान जो है उसमें जैसे मैं सोचता हूँ कि बचपन में मैं ऐसी बहुत सी हरकतें करता था जो कृष्ण भगवान ने की है, तो ये इंसान के सबसे नज़दीक देवता ऐसा मेरा मानना है कि उनकी नटखट जो लीलाएं थी वो किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा किया ही है, तो मुझे लगता है वो पसंदीदा भगवान है सबके, और इंसान से ज़्यादा करीब देवता है ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि कोई अपना नज़दीकी रिश्तेदार हो तो उसे देखना पसंद करेंगे ही लोग, तो उस तरह का रूप इस सीरियल में कृष्ण भगवान का है, एक दोस्त का।
आपको लगा जब रात में सोते जाते थे तो आपको लगा कि नहीं जो मैं रोल कर रहा हूँ वही मेरे सपने में आ रहे, कभी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, शुरू शुरू में जब हम कर रहे थे तो हम ये गाना हमने कई बार सुना कन्हैया लाल, तो यू नो जब आप एक रोल को प्रिपेयर करते हो और स्पेशली जब भगवान के रोल को प्रिपेयर करते हो, तो मैंने काफ़ी स्टडी की, मैंने काफ़ी कृष्ण जी का पढ़ा, तो ऑफकोर्स यू नो बैक ऑफ द माइंड वो रहता है, तो उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका पूरा बचपन, कैसे उन्होंने कंस को मारा, कैसे वो जन्म हुआ था, कैसे वो रासलीला करते थे, कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग पे चलता रहता है और वो चलना भी चाहिए क्योंकि तभी आप कैरेक्टर तक पहुँच पाते हो। सर खाना खाने कब जाएंगे? बहुत भूख लग रही है अभी, चले। क्या बात है, हर सीन में प्यार की चर्चा। अब उम्र ही ऐसी तो क्या कर सकता हूँ। कन्हैया ने मतलब क्या किया कृष्ण, क्या किया आपके साथ? अब कृष्ण जी जो सबके साथ करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, वो मेरे साथ भी किया, अब क्या करेंगे। कृष्ण जी तो सबको सद्बुद्धि ज्ञान देते हैं, वो हमें भी दे रहे हैं। वेल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, सो होपफुली इन्जॉय करूँगी मैं, मज़ा आएगा इन सबके साथ काम करने में मुझे, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड एंड एन्जॉइंग माई ऑल टाइमिंग एंड ऑल ओवर है। मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप हमें ऑल द टाइम दिखते क्यों नहीं? और विशेष की लिस्ट तो फिलहाल मेरी बहुत लंबी होगी, सो वो मैं अभी थोड़ा साइड पे ही रखूंगी, बस मैं उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगी जितना टाइम तक वो मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि आपका तो बहुत सारा रहेगा कि सबसे पहले तो हाँ हो जाए। हाँ वही, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कृष्ण जी से अगर सामने, खैर मुझे अगर मिले तो मैं बहुत सारे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन जो भी सवाल जवाब होंगे उनसे पहले मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ये सवाल पूछूं तो वो उल्टा रिवर्स क्या देंगे मुझे, और क्या है जो भी कृष्ण जी हैं, जो भी भगवान जी हैं, वो अपनी जगह बहुत सही हैं, लेकिन जो हम ही लोग हैं जो अपने एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को जो भी गंदा कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा पर्यावरण है इसे शांति से बनाए रखिए, और जो आज की बिजी लाइफ है इसके लिए कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे कि हम अपने फादर्स के लिए, अपने मॉम डैड के लिए थोड़ा टाइम निकाले, इतना बिजी ना रहे अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए ये शो कितना चैलेंजिंग रहेगा? मेरे लिए हर चीज़ ही चैलेंजिंग है, ये शो ज़्यादा होगा बिकॉज अश्विनी सर हैं इसमें, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करना इज़ लाइक वाओ, सो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। रोल के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, वो कुछ चैलेंजिंग नहीं है, मैं वैसी ही हूँ, रोशनी और फूल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। नाम बहुत अच्छा फूल। या बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, मैं एक्चुअली अपने पापा की कुछ ज़्यादा ही लाडली हूँ, वो फूलों की तरह मुझे रखते हैं, इसलिए उन्होंने नाम ही फूल रख दिया मेरा। जैसे कि फादर्स नेम सरसों के फूल।